वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फिश फ्राई। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है देख लीजिए। हाफ टी स्पून हल्दी, एक पोटी चाहे एक फुल लहसुन, लाल मिर्च अपने टेस्ट हिसाब से, मछली वैसे भी थोड़ा सा तीखी बनती है, हरी मिर्च 5-6, ये हाफ के जी के लिए हम बता रहे हैं। फिर 1 टी स्पून पीला और काला सरसों और नमक स्वाद अनुसार, इन सबको हम पीस लेंगे। ओके, फिर हम पीसने के बाद इसमें मिक्स कर लेंगे और हम जितना देर आप छोड़ सकते हैं, हाफ एन आवर एक घंटा छोड़ दीजिए मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद मैं तो अभी बना रही हूँ, आप मैरिनेट करके, तब टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर हम फ्राई करेंगे। एक पैन ले लेंगे, पैन में हम सरसों तेल डालेंगे। फिश में तेल ज़्यादा पड़ता है, सरसों तेल में ही बनाइएगा, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फुल फ्लेम में पहले 2 मिनट के लिए बनाएंगे, फिर ढक देंगे और फिर मीडियम फ्लेम में चले जाएंगे, मीडियम टेम्परेचर पे चल रही है। हम देख लेंगे इसको पलट के, फिर हम ढक देंगे पलट के, फिर भूनेंगे, फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गया है दूसरे साइड से भी फ्राई करते हुए। अब हम खोल के ढककर फिर उसको निकाल देंगे अपने ढक्कन में। लीजिए, बन के तैयार हो गया फिश फ्राई। प्लीज़ मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए फिश फ्राई, आप एक बार बना कर देखिए, टेस्ट अच्छा लगेगा। चाय से या ऐसे रोटी से भी खाने में बहुत पसंद आता है, या दाल चावल स्टीम राइस से। आप अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।